आज मैं बताने जा रही हूँ मिल्क केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ दूध और चीनी से इतना परफेक्ट बनेगा ये मिल्क केक कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल मार्कर जैसा, मार्कर से भी बहुत अच्छा और शुद्ध तरीके से आप घर पर बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ दूध और चीनी से इतनी अच्छी दानेदार मिठाई तैयार कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि लुक कितना अमेजिंग है और कितना यमी स्वादिष्ट लग रहा है। यह बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुंह में घुल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लिया, पैन को धीमी आंच पे रखा है। एक बाउल खोया ऐड करते हैं। धीमी आंच पे बराबर चलाते हुए खोए को मेल्ट कर लेते हैं। तो जब चाहो तो बनाते रहो कोई भी चीज़। बराबर चलाते हुए धीमी आंच पे खोए को मेल्ट कर लिया है। एक बाउल शुगर ऐड करते हैं। बराबर चलाते हुए शुगर को मावे में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। एक चम्मच कड़ा वाटर ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए चीनी गलने तक खोए को अच्छे से भून लेते हैं। खोए को बराबर चलाते रहेंगे जिससे तली में ना लगे। खोए को बराबर चलाते हुए गुलाबी होने तक भून लेते हैं। खोए को भून कर तैयार कर लिया है, गुलाबी कलर आ गया है। थोड़ा सा पानी में डालकर चेक करते हैं कि जमने के लिए तैयार है कि नहीं। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, हाथ से इकट्ठा करते हैं। जमने के लिए तैयार हो गया है, बनकर तैयार हो गया। गैस बंद कर देते हैं, चलते हैं अगले प्रोसेस पर। हमने जमाने के लिए एक बेकिंग ट्रे लिया है। बटर पेपर को घी से ग्रीस कर लेते हैं इस तरह से। उठ जा रहा, ग्रीस कर लिया है। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। ऐड करते हैं चम्मच की सहायता से, ऐड कर लेते हैं। चम्मच की सहायता से बराबर कर लिया है। इसे फॉर पेपर से कवर कर लेते हैं। टावल से ढककर रखने से मिल्क केक में कलर अच्छा आता है। इसको बाहर ही एक घंटे के लिए ढककर रख देते हैं सेट होने के लिए। खोल कर चेक करते हैं। मिल्क केक अच्छे से सेट हो चुका है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बटर पेपर को निकाल लेते हैं इस तरह से, पीस में कट कर लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिल्क केक बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।